Dear students, welcome on RCA Online Pathshala. Now we start question number 11. इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले देखो, आप इस क्वेश्चन में मैं आपको हल्का सा जो पैटर्न है उसको और सिंप्लीफाई करवा देता हूं. देखो, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है? आप जो लिख रहे हैं क्या बार बार, 1 1 -1, 3 1 -2, 1 -1 -1, कंप्लीट 1 1 -1, 3 1 -2, 1 -1 -1. और यहां पे क्या होता है, एक्स वाई जेड, और यहां पे क्या होगा, 1 3 -1. एम्प्लाइज इसको क्या लिख सकते हो, ax = b. अब कई सोच रहे हैं कि हम तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई भी लिखेंगे, तो लिख लो क्या दिक्कत है. क्या कहेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स वी गेट, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर हम पाते हैं ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. अब ए इनवर्स ए क्या होता है, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी. आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, और इसको यू ब्रैकेट में बंद करना है और यहां पे आपको नंबर 1 डाल देना है. अब उसके बाद देखो, अब आपको सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. बी आपके पास है, ये रहा, आपने अब इनको दिखाया नहीं कि ए कौन सा है, एक्स कौन सा है, बी कौन सा है. आप लिख सकते हो इधर भी, वेयर ए इक्वल टू दिस वन, एक्स इक्वल टू दिस वन, और बी इक्वल टू दिस वन. ये आपको जब मैं नोट सेंड करूंगा ना उसमें लिख दिया करूंगा, क्योंकि यहां पे आप जानते हो अगर मैं हर चीज को लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी. तो देखिएगा, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 1 1 -1, और क्या होगा, 3 1 -2, और 1 -1 -1. इसे आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2. सोल्व करने पे क्या आएगा, 2, और ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0. तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. हो गया. उसके बाद देखिए, उसके बाद कैसे करोगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. देखिए, आपने अभी किया क्वेश्चन, उसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट मतलब ए इनवर्स विद्यमान है. अब विद्यमान है तो देखो, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजेंट ऑफ ए, इसको नंबर 2 डाल दिया. अब उसके बाद देखो, एडजेंट ऑफ ए फाइंड आउट करो. ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, एडजेंट ऑफ ए मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको अपने से फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये मैं आपको करा चुका हूं, और जो चीज करवा दिया उसको बार बार कराने से कोई मतलब नहीं है. तो देखिएगा आगे कैसे होगा. ये बी का वैल्यू है 1 3 -1. उसके बाद देखिए कैसे होगा, वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए पुट इन सेकंड, तो क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 2, और -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2. ये आ गया ए इनवर्स. अब उसके बाद देखो, अब ध्यान देना, ए इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया. अब देखो अगेन, वैल्यू ऑफ एक्स ए इनवर्स बी, ए इनवर्स एंड बी पुट इन फर्स्ट वी गेट. देखिए ध्यान से, देखिए उसके बाद क्या होगा, ध्यान देना,
एक्स क्या था, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स क्या है आपके पास, ये रहा। अब ए इनवर्स को लिखिए 1/2 -3, 2 -1, 1, 0 -1 और -4, 2 -2, और ये क्या था बी 1, 3 -1, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। अब उसके बाद क्या करना है, केवल इनको मल्टीप्लाई करो और उसको सोल्व कर लो, तो देखिएगा कैसे करना है। देखिए आपने यहां क्या लिखा, एक्स वाई और जेड इक्वल टू 1/2, और आप अपने से करना इन दोनों जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा 4/4, क्लियर। उसके बाद देखो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आएगा, इस 1/2 को अंदर ले जाओ तो 4/2, 2/2 और 4/2, ये आ गया आपके पास। उसके बाद देखिए क्या आएगा, देखिए जो आपने पहले सीखा हुआ है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं लिख रहा। उसके बाद देखिए एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा, 2/1/2, और यहां पे आप लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग, यानी तुलना करने पर एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2, मतलब पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, तो ये आपके पास क्या आया है आंसर। इस प्रकार से आपने मैट्रिक्स मेथड पर जो बेस्ड प्राइमरी क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर लिया है।